मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। दोस्तों, पिछले 1.5-2 साल से जिस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे वो आखिरकार आज हो गया। हम बात कर रहे हैं आज हरियाणा में हुई सबसे बड़ी उठापटक की, जिसके बारे में पिछले 2 साल से हर गली हर नुक्कड़ पर चर्चा हो रही थी। गांव की चौपालों पर युवा से लेकर बुजुर्ग तक हुक्के पीते हुए शर्त लगाई जा रही थी। मुद्दा होता था कि बीजेपी जेजेपी का गठबंधन, शर्त यह होती थी ये गठबंधन आज टूटे या कल। इसी आज कल में अच्छा खासा वक्त गुजर गया और 5.5 साल लंबा चलने के बाद बीजेपी जेजेपी की राहें जुदा हो गई। वो दिन आ ही गया जिसका हरियाणा की राजनीति में इंटरेस्ट रखने वालों को इंतजार था। बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूट ही गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। कल ही पीएम मोदी ने जिसे अच्छा दोस्त बताया था आज उसी की कुर्सी छीन ली। और मनोहर लाल जी और मैं बहुत पुराने साथी हैं, दरी पर सोने का जमाना था तब भी साथ काम करते थे। और मनोहर लाल जी के पास एक मोटरसाइकिल रहती थी तो वो मोटरसाइकिल चलाते थे, मैं पीछे बैठता था, रोहतक से निकलता था और गुरुग्राम आकर के रुकता था। ये हमारा लगातार हरियाणा का भ्रमण मोटरसाइकिल पे हुआ करता था। और मुझे याद है उस समय गुरुग्राम में मोटरसाइकिल पर आते थे, रास्ते छोटे थे, इतनी दिक्कत होती थी। आज मुझे खुशी हो रही है कि हम भी साथ हैं और आपका भविष्य भी साथ है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से हरियाणा की राजनीति में बड़े उलटफेर के संकेत मिल रहे थे। अब सूत्रों की माने तो बीजेपी ने हरियाणा में एक सर्वे करवाया था जिसमें निकल कर ये आया था कि जाट वोटर्स मनोहर लाल खट्टर से बहुत ज्यादा खुश नहीं है। साथ ही किसान आंदोलन से भी पूर्व सीएम की छवि बिगड़ चुकी है। ऐसे में वोटर्स आने वाले चुनाव में कांग्रेस के साथ जुड़ सकते हैं। बीजेपी के आला नेतृत्व के बीच हुई एक बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी इस पर चर्चा की गई और उसके बाद यह तय किया गया कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाएगा। मंगलवार को इसकी शुरुआत मनोहर लाल और उनकी कैबिनेट के इस्तीफे से हुई। इसके बाद बीजेपी के विधायक दल की बैठक हुई और बीजेपी सांसद नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुना गया। सैनी ने राज्य के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय को समर्थन ज्ञापन सौंपा और शाम होने तक राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली। ओबीसी समाज से आने वाले नायब सैनी कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से पार्टी के सांसद हैं। बिना विधायक बने सैनी 6 महीने तक सीएम रह सकते हैं और इसी अवधि में मौजूदा विधानसभा का टर्म भी पूरा हो जाएगा। यानी नायब सैनी बिना विधायक बने अपने सारे सरकार का कार्यकाल पूरा करेंगे। वहीं अगर बात करें बीजेपी जेजेपी गठबंधन की तो वो आज टूट ही गया। याद होगा आपको कि हरियाणा में 2019 में हुए विधानसभा चुनाव से करीब 10 महीने पहले ही दुष्यंत चौटाला ने जननायक जनता पार्टी की नींव रखी थी। जाट और युवा नेता होने के नाते दुष्यंत चौटाला को जनता ने खूब प्यार दिया और वो बीजेपी को समर्थन देकर हरियाणा के डिप्टी सीएम बन गए। लेकिन अब जेजेपी और बीजेपी के बीच गठबंधन टूटने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस्तीफा दिया और राज्य को नया सीएम नायब सैनी के रूप में मिला। तो चलिए अब उस मुद्दे की बात करते हैं जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है और वो ये कि जब बीजेपी जेजेपी का गठबंधन पूरे 4.5 साल निकाल ही गया तो आखिरी वक्त में इसे तोड़ा क्यों गया और हरियाणा विधानसभा चुनाव से कुछ ही महीने पहले राज्य में इतना बड़ा फेरबदल किसके इशारे पर हुआ। तो सुनिए और समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक दिन पहले ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की उन्होंने तारीफ की थी जिसे राजनीतिक हलकों में उनकी मजबूती के तौर पर देखा गया। लेकिन हुआ इसके उलट। 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए और पूरी सरकार ने इस्तीफा दे दिया। चंडीगढ़ से जानकारी सामने आती रही कि चेहरा वही होगा और सरकार नई होगी। लेकिन ये बात इसलिए सिरे नहीं चढ़ रही थी क्योंकि दिल्ली से 2 पर्यवेक्षक सुबह चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुके थे। आखिर में पूरी सरकार को बदलने की अटकलें सही साबित हुई और दोपहर के 2 बजे तक राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सैनी का नाम तय हो गया। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि हरियाणा में बीजेपी ने इतना बड़ा दांव क्यों और किस लिए खेला। नेतृत्व परिवर्तन के पीछे वैसे तो किसान आंदोलन एक बड़ी वजह बताई जा रही है, लेकिन सूत्रों की माने तो जेजेपी लगातार अपने संगठन का विस्तार कर रही थी जो बीजेपी को खटक रहा था।
पिछले कुछ महीने से जेजेपी ने अपनी गतिविधियां और तेज कर दी थी, जो आगे चलकर बीजेपी के लिए एक बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। हालांकि गठबंधन सरकार के 4 साल 137 दिन पूरे होने पर यह माना जा रहा था कि सरकार पूरे 5 साल चलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या जेजेपी और बीजेपी में किस चीज को लेकर बात बिगड़ी जो इतना बड़ा खेला हो गया। अंदर से खबर यह भी है कि जेजेपी ने बीजेपी से भिवानी और हिसार लोकसभा सीट मांग की थी। बीजेपी ने शुरुआत में जेजेपी को इन सीटों के बदले कुरुक्षेत्र और सिरसा के लिए हामी भर दी थी, लेकिन खुद हिसार से सांसद रह चुके दुष्यंत चौटाला अड़े हुए थे। अब यहीं से दोनों दलों के बीच मनमुटाव शुरू हुआ। बीजेपी किसी भी कीमत पर हिसार और भिवानी की सीटें देने के पक्ष में नहीं थी। इससे जेजेपी का गुस्सा बढ़ा और सरकार छोड़ने की पहल कर दी। बीजेपी ने मौके का फायदा उठाने में कोई देर नहीं की। सूत्रों की माने तो हिसार लोकसभा सीट जेजेपी के खाते में जाने की संभावना को भाप कर ही बृजेंद्र सिंह ने बीजेपी छोड़ी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इस तरह जेजेपी का सारा खेल बिगड़ गया। अब माना जा रहा है जेजेपी अकेले मैदान में उतरने का मन बना चुकी है, जिसके लिए उसने दिल्ली में दुष्यंत चौटाला के निवास पर बड़ी बैठक बुलाई। करीब 4.5 साल चला ये गठबंधन टूट जाने से कांग्रेस को जेजेपी और बीजेपी पर हमला करने का एक मौका मिल गया है। हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना वही डायलॉग दोहराया जो वो पिछले 4.5 साल से बोलते आ रहे हैं, यही कि स्वार्थ के लिए बनाया बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट ही गया। इन्होंने हरियाणा की जनता को ठगने का काम किया है। जो गठबंधन था वो कोई पॉलिसीज पे आधारित नहीं था, और आज जो इन्होंने 5 साल में जो हुआ है, बाई इलेक्शन में भी हम जीते हैं, हर वर्ग चाहे वो किसान है, 750 किसान जो है यहाँ हरियाणा में उनकी मौत हुई, MSP की बात जो वायदे इन्होंने किए थे घोषणा पत्र में कोई भी पूरा नहीं किया गया। जेजेपी ने कहा कि 5100 रुपये पेंशन करेंगे बुजुर्गों की जब हम सब जोता करेंगे, कोई वो नहीं हुआ। तो इस किस्म से कोई भी एक भी घोषणा पत्र लागू नहीं हुआ इनका। तो आज सिर्फ अपने एंटी इनकम्बेंसी को बचाने के लिए और लोगों का ध्यान दूसरी ओर आकर्षित करने के लिए ये है इनकी मिली भगत है, और लोग इस बात को समझ चुके हैं। हुड्डा के बेटे और कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी मौका देखते ही चौका मारने की कोशिश की और कहा अभी हरियाणा में जो हो रहा है वो हरियाणा की जन भावना के दबाव में हो रहा है। बीजेपी के साथ जो जेजेपी का समझौता था वो एक और समझौता हो गया, भ्रष्टाचार का जो समझौता तोड़ने का भी समझौता हो गया है। ये मेरी बात को समझ के अपने दिल में रखना, समझौता तोड़ेंगे बीजेपी के इशारे पे, आपके बीच में आएंगे। कांग्रेस की वोट में कौन ज्यादा सेंध मारेगा, अभय सिंह ज्यादा मारेंगे या दुष्यंत चौटाला ज्यादा मारेंगे, इस बात की बीजेपी के इशारे से उनके इशारों पर इस तरह की राजनीति हरियाणा में करने का काम करेंगे। चक्रव्यूह रचा जाएगा, प्रदेश में परिवर्तन को रोकने के लिए चक्रव्यूह रचा जाएगा। पिछले बार तो आप भी नादान थे, हम भी नादान हैं, अब आप भी समझ चुके हो, हम भी समझ चुके हैं। इस चक्रव्यूह को तोड़ने का काम, और इस तोड़ने में हमारा साथ आप दोगे कि नहीं दोगे, एक बार हाथ खड़ा करके मैं आप सबसे आशीर्वाद और आप सबसे साथ मैं इस बात के लिए मांगता हूँ। खैर, वही गठबंधन टूट जाने के बाद सोशल मीडिया पर तो जैसे मीम्स की बहार आ गई है। सबसे ज्यादा ट्रोल दुष्यंत चौटाला को किया जा रहा है। कुछ ट्रोलर्स ने तो मीम्स बनाकर फेसबुक, व्हाट्सएप और एक्स पर उन्हें अग्निवीर तक बता दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर धर्मवीर सिंह लांबा और विजेंदर श्योरण नाम के यूजर ने लिखा कि हरियाणा का पहला अग्निवीर दुष्यंत चौटाला रिटायर हो गया। इसी तरह लालू यादव नाम के एक वेरीफाइड यूजर ने लिखा कि हरियाणा का पहला अग्निवीर 4.5 साल बाद रिटायर, नाम दुष्यंत चौटाला। आगे लिखा, अब बीजेपी के भी टूटने के आसार हैं, 3 विधायक गायब बताए जा रहे हैं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं। दुष्यंत के अलावा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लेकर भी मीम्स बनाकर उनका भी मजाक उड़ाया जा रहा है। एक यूजर लिखता है कि चंडीगढ़ ISBT से करनाल की बस पकड़ते हुए मनोहर लाल खट्टर। अब आपको बता दें हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं, इनमें से 41 विधायक बीजेपी के हैं, 10 जेजेपी के। बीजेपी दावा कर रही है कि उसे 5 निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिला हुआ है। मंगलवार सुबह से ये पूरा सियासी घटनाक्रम होने से पहले हरियाणा लोक हित पार्टी यानी हलोपा के अध्यक्ष गोपाल कांडा मीडिया के सामने आए और उन्होंने गठबंधन पर चुटकी लेते हुए कहा, मेरे ख्याल से गठबंधन लगभग टूट गया। सुनिए, गठबंधन ऑलमोस्ट टूट गया, मेरे ख्याल गठबंधन टूट चुका। नहीं, लोकसभा में कोई संकट नहीं है, 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और इनके बिना भी, जेजेपी के बिना, मैंने पहले भी बोला था कि हरियाणा में सरकार चलती, क्योंकि सभी इंडिपेंडेंट साथी अनकंडीशनली सपोर्ट थी, और देखो उसी तरह 4.5 साल हो गए, 4.5 साल होने को आए, वैसे ही खड़े हैं सभी साथी मुख्यमंत्री जी के साथ।
और भारतीय जनता पार्टी के साथ, और वैसे ही हम खड़े रहेंगे और 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी हरियाणा में। उनके अलावा निर्दलीय विधायक नयन पाल रावत ने भी दावा किया कि गठबंधन किसी भी वक्त टूट सकता है, लेकिन कुछ निर्दलीय विधायक मनोहर लाल के साथ हैं। आज सीएम साहब से मिलकर है, क्या बात हुई? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आज सुबह 8 बजे मुलाकात हुई है और एक सपोर्ट की चिट्ठी हमसे दोबारा से ली है, और हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बताया कि पहले ही दिन से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमारी आस्था है और अनकंडीशनल सपोर्ट दे रखी है। बात करें हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की, तो इन्होंने अम्बाला में भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला महामंत्री पद से अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था। 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल की ये बेहद करीबी बताए जाते हैं। पार्टी ने जाट समुदाय से आने वाले ओम प्रकाश धनखड़ को हटाकर 27 अक्टूबर 2023 को ही नायब सैनी को हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष बनाया था। हरियाणा में 22.2 जाट वोटरों के बाद दूसरे नंबर पर ओबीसी वोट बैंक आता है। कुल आबादी में ओबीसी वोटर्स 21%। हरियाणा में बीजेपी हमेशा से नॉन जाट की राजनीति करती है, और सैनी को मुख्यमंत्री चुनकर पार्टी ने एक तरह से साफ कर दिया है कि वो आगे भी इसी राह पर चलेगी। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।